रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की आज हम रिवीजन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 37, यूनिट नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम टेबल 2.1 देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, देन सिंबल्स हैं इन एलिमेंट्स के, इनके एटॉमिक नंबर है, और इन्हीं एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है बाई यूजिंग द सीक्वेंस जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी। मैंने आपको बताया था किस तरह से हम ये सीक्वेंस लिखते हैं, तो हम उस सीक्वेंस को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस हम किस तरह से डिराइव करते हैं, एंड देन उस सीक्वेंस को यूज़ करके हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। तो ये वो सीक्वेंस है जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी बाई यूजिंग दिस सीक्वेंस, इस मेथड से की थी हमने। इसमें हमने क्या किया था कि शेल्स हमने लिए थे, के एलिमेंट शेल, इनकी एन वैल्यूज यूज करके हमने एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे। तो के शेल की एन की वैल्यू 1 होती है, इसमें एक सब शेल होता है एस सब शेल। सो एक हमने यहाँ पे ब्लू डॉट बनाया है, और क्योंकि ये फर्स्ट शेल का है इसलिए इसके साथ 1 लिखा है। सेकेंड शेल के 2 सब शेल्स होते हैं एस और पी, दोनों के साथ 2 2 लिखती है ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि ये सेकेंड शेल के सब शेल्स हैं। देन थर्ड में 3 सब शेल्स होती हैं क्योंकि इसके एन की वैल्यू 3 है, तो 3s, 3p एंड 3d। एन शेल जो है, जो फोर्थ शेल है, उसकी एन की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे 4 डॉट बनाए हैं जो कि 4 ऑर्बिट सब शेल्स को रिप्रेजेंट करें। सो के एल एम एन ये शेल्स हैं, और इनमें जो सब शेल्स प्रेजेंट है वो एस पी डी एफ, वो उसके सामने डॉट की फॉर्म में यहाँ पे मैंने बना दिए। देन इस तरह से लाइंस ड्रॉ की थी, और उन लाइंस के कॉर्नर्स को देन ज्वाइन किया था, और वो लाइन जिस जिस पॉइंट से को टच करती हुई आगे जा रही थी वो हम सीक्वेंस लिखते गए। तो फर्स्ट स्टार्टिंग इसकी 1s से हो रही है, तो 1s फर्स्ट आता है, एंड देन ये लाइन टच करी है 2s को, देन 2s आती है सीक्वेंस में, इसके बाद 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, और इसी तरह से आगे सीक्वेंस चलती रहती है। सो ये जो सीक्वेंस है हम इसको यूज़ करेंगे, जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से हम वही सब शेल्स पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम जस्ट ये 1s लिखेंगे। सो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि एक एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं पुट करेंगे, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, एच इसका सिंबल है, और एटॉमिक नंबर इसका 1 है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो इट मींस कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसके हम लिखेंगे, इसमें 1s सीक्वेंस में से जस्ट हम 1s पिक करेंगे, और क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन s सब शेल में चला जाएगा, और इस s के ऊपर हम स्मॉल 1 लिखेंगे। इट मींस कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। हीलियम, एच इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इट मींस कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसके लिए हम सीक्वेंस में से जस्ट 1s लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन s में चले जाएंगे। लिथियम थर्ड एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में चले जाएंगे, इसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो 2s में हम इसमें इसको प्लेस करेंगे। बेरिलियम, Be सिंबल है इसका, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में प्लेस करेंगे, एंड रिमेनिंग 2 जो होंगे वो 2s में चले जाएंगे। इसी तरह से बोरोन, इसका सिंबल B होता है, 5 इसका एटॉमिक नंबर है, इट मींस कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में चले जाएंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाता है उसको 2p में डाल देंगे। तो ये इसके देखें ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में जाएंगे, और रिमेनिंग 2 जो हैं वो 2p में चले जाएंगे। इसी तरह से देखें, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उसको प्लेस करने के लिए हम 7-8 सब शेल है वो ऐड करते जाएंगे जब तक कि पी में 6 ना हो जाए। लाइक कार्बन का जो है 1s और 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो वो इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p में। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो इसके 2p और जो सब शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फ्लोरीन के 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि इसके टोटल 9 है। देन नियॉन के अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में चले जाएंगे, पीछे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 6 चले जाएंगे इसके 2p में। अब यहाँ पे s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये वाला s भी कम्प्लीटली फिल्ड है और ये 2p भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अब इनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। अब अगर किसी एटम में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें सीक्वेंस में से चौथा सब शेल भी लेना पड़ेगा, जैसे कि सोडियम के केस में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले जाएंगे, बाकी के 2s में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके 2p में जाएंगे। जो 11th इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन है, उसको प्लेस करने के लिए हम 3s लेंगे सीक्वेंस में से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस 3s में चला जाएगा। देन मैग्नीशियम, इसके एक इलेक्ट्रॉन मजीद इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो s ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये सीक्वेंस कम्प्लीटली फिल्ड हो गई है, अब इस s में मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सो एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 1s भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड, 2p भी कम्प्लीटली फिल्ड, 3s भी कम्प्लीटली फिल्ड। अब इसका जो 13th एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, 13वां इलेक्ट्रॉन, उसको प्लेस करने के लिए हम एक सीक्वेंस में से एक और सब शेल पिक करेंगे 3p, तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका। देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, इनका जो 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली आर्गोन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसकी जब हम प्लेस करेंगे सीक्वेंस, इसमें 1s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी इसके 6 बचते हैं वो 3p में चले जाएंगे। अब देखें इसके ये सब जितने भी यहाँ पे ये सब शेल्स मेंशन है, 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, ये सब कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। सो आपको अगर कोई भी एटम दिया जाए और उसका उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़े तो उस एटम का एक तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि इस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए। इस सीक्वेंस को देख के ही आप उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करते जाएंगे। अगर किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आप सिर्फ ये 1s ले लेंगे और s में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे कि हीलियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम का आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो सीक्वेंस पता करने के लिए आप खुद से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप लाइंस लगा के देख लें कि क्या सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी। फिर इस सीक्वेंस में आपने इस सीक्वेंस में से सब शेल्स पिक करने हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। तो सबसे पहले 1s हम ले लेंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 11 में से 1s, s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इन 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। अभी भी इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम सेकेंड सब शेल पिक करेंगे जो कि 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में चले जाएंगे, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है, रिमेनिंग अभी भी रहते हैं। तो यहाँ से हम सीक्वेंस में से 2p पिक करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2p में चले जाएंगे, ये हो गए 6, 7, 8, 9, 10, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रहता है, तो उसके लिए हम एक और सब शेल लेंगे जो कि 3s है। वैसे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है और कितने बच चुके हैं। तो यहाँ पे फिलिंग 10 की हो चुकी है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 36। आज हम चैप्टर नंबर 2 की जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2.1, 2.2 एंड 2.3 करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 2.1 इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है एक एलिमेंट की जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसके सोल्यूशन को बेसिकली आपने इतनी डिटेल नहीं लिखनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है कि कीप इन माइंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि एनर्जी जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी लेवल हम शेल्स को कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हर शेल की अपनी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी एनर्जी होती है। सो दे डू नॉट हैव द सेम एनर्जी।
देयरफॉर दे आर अकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, इसलिए इनको डिफरेंट शेल्स में डाला जाता है। इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली मीन्स के सबसे पहले कम शेल एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, देन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में, एंड देन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में चलते जाते हैं। एंड कैपेसिटी ऑफ द शेल भी देखी जाती है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू के शेल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल की तरफ, और के शेल की एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, कम एनर्जी होती है, और कैपेसिटीज की ये है कि इट कैन एक्युमुलेट टू इलेक्ट्रॉन्स, केस में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए के शेल में। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू एल शेल, के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल शेल में, और एल शेल एक्युमुलेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए फर्स्ट शेल में, बाकी जो बचे उसमें से 8 चले गए हमारे पास एल शेल में। नाउ के एंड एल शेल हैव एक्युमुलेटेड 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो के शेल में और बाकी 8 एल शेल में। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की एक्युमुलेशन हो चुकी है, प्लेस कर दिया उसको हमने फर्स्ट टू शेल में। अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, लेकिन हमने प्लेस 10 कर दी हैं, एक अभी भी रहता है। सो वो जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल गो टू एम शेल, तो ये थर्ड शेल में चला जाएगा जो कि एम शेल है, और ये आउटर मोस्ट शेल होगा इस केस में, सबसे बाहर वाला शेल है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल्स को यूज करके अगर हम लिखेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, एल में 8 गए हैं, और एम में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द सब शेल्स, देयरफॉर इट इज सिंपली रिटन एज 2, 8 एंड 1। सो इसको हम 2, 8, 1 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो प्रॉपर लिखी जाती है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस जो कोई आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, उस सीक्वेंस में आप लेंगे फर्स्ट 1s लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो आप 2s लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए, 2p लेंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये 6, 2 और 2, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। जो 11th इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन है, इसको आप 3s में डाल देंगे। सो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कन्फिग्रेशन इस एलिमेंट की जिसकी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, Cl- आयन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। सो अटोमिक नंबर क्लोरीन का अगर हम देखें, जो क्लोरीन एटम है उसका अटोमिक नंबर है 17, एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। Cl- 1 का क्या मतलब है, माइनस साइन है, कोई नंबर नहीं इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, क्योंकि माइनस साइन तब आता है किसी भी एटम के ऊपर जब वो एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस साइन के साथ जो भी नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होते हैं, और अगर कोई नंबर नहीं लिखा साइन के साथ इट मीन्स कि वो 1 कंसिडर करेंगे उसको हम। तो Cl- 1 है ये, इट मीन्स कि क्लोरीन हैव गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ऑलरेडी इसके 17 थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 + 1 = 18, इट मीन्स के जो क्लोराइड आयन है Cl- 1 आयन जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स से और एक इसने जो गेन किया, सो टोटल इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे सब शेल्स में इस सीक्वेंस में। फर्स्ट 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इनमें नहीं आ सकते। देन 3s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 3p में। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि हमने सब शेल्स को इस्तेमाल करके की है। इसके अलावा अगर हमने शेल्स की में इसकी एकोमोडेशन करनी हो, तो पहला शेल होता है के शेल, उसमें इसके जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चले गए। सेकेंड एल शेल होता है, बाकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रह गए उसमें से हमने 8 जो हैं वो एल शेल में डाल दिए, अब ये हो गए 8 और प्लस 2, ये टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो, तो वो थर्ड शेल में चले जाएंगे जो कि एम शेल है, जिसमें आ गए थर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हमारे पास आती है 2, 8, 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3 है, एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एक एलिमेंट है उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइंड आउट इट्स अटोमिक नंबर, इसका हमने अटोमिक नंबर फाइंड करना है, अटोमिक नंबर मीन्स के इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। सो इफ इट हैज एम शेल, इसके पास एम शेल है जो कि थर्ड शेल है, सो इट मीन्स के थर्ड शेल तभी आता है जब पहले दो शेल कंप्लीटली फिल्ड हों,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका के और एल शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और एम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, तो इसके एम में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो जो ऐड करके नंबर आएगा वही इसका एटॉमिक नंबर होगा. सो 2 + 8 + 5 = 15, और ये 15 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल ही होता है. सो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.